नमस्कार दोस्तों, वीवो एक्स 90 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका मेंशन भी हो चुका है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर। तो आज किस रूमिंग पर हम बात करेंगे और जानेंगे फर्स्ट लुक और इंडिया प्राइसिंग क्या हो सकता है इसके बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तक तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, वीवो एक्स 90 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इस सीरीज के अंदर दो फोन को लॉन्च किया जाएगा। दोनों का जो भी स्पेसिफिकेशन है या फिर जो फर्स्ट लुक वगैरह है सारा निकल के आ चुका है और प्राइसिंग क्या होगा इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है, तो सभी को हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख पाओगे इस फोन का फर्स्ट लुक। यहां पे दो फोन को लॉन्च किया जाएगा इस सीरीज के अंतर्गत। पहला है वीवो एक्स 90 5G स्मार्टफोन, फिर है वीवो एक्स 19 प्रो 5G स्मार्टफोन। दोनों फोन का कुछ स्पेसिफिकेशन काफी सिमिलर है और यहाँ पे जो कलर या फिर जो लुक है वो भी काफी सिमिलर है, आप देख पाओगे। यहाँ पे दो कलर के साथ लॉन्च होगा। पहला यहाँ पर रेड कलर है, उसके बाद है ब्लैक कलर। दोनों कलर काफी इम्प्रेसिव है। ये फोन काफी स्लिम है और जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी तगड़ा है। हालांकि इस फोन का प्राइसिंग भी काफी अच्छा खासा रखा जाएगा। देखिए, यहाँ पर दो फोन को लॉन्च किया जाएगा। पहला है वीवो एक्स 90 5G स्मार्टफोन, फिर है वीवो एक्स 90 प्रो 5G स्मार्टफोन। दोनों का स्पेसिफिकेशन लगभग सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है और प्राइसिंग में भी काफी अच्छा खासा डिफरेंस होने वाला है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन के बारे में तो दोनों फोन में आपको दोनों को मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले और यहाँ पे दिया गया है कर्व डिस्प्ले जिसका बेजल्स काफी पतला है, आप यहाँ पर देख पाओगे। और इस डिस्प्ले में दिया गया है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 300 का दिया गया है टच सैंपलिंग रेट भी। 1300 nits पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में तो कैमरा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों फोन में। यहाँ पर जो वीवो एक्स 19 है इस फोन में आपको देखने को मिलेगा AI ट्रिपल कैमरा। यहाँ पर 50MP का मेन कैमरा है जो कि आता है OIS के साथ, उसके बाद 12MP का दिया गया है अल्ट्रा वाइड, उसके बाद दिया गया है 12MP का टेलीफोटो कैमरा वीवो एक्स 19 में। और वीवो एक्स 19 प्रो है इस फोन में दिया गया है 50MP का मेन कैमरा, उसके बाद है 50MP का अल्ट्रा वाइड और दिया गया है 13MP का दिया गया है टेलीफोटो कैमरा। और दोनों फोन के फ्रंट में दिया गया है 32MP का सेल्फी कैमरा जो कि आता है सेंटर टिनी पंच होल के साथ, आप यहां पर देख पाओगे। अगर हम बात करें प्रोसेसर का तो दोनों फोन में लगा हुआ मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9200 जो कि आता है LPDDR5X रैम के साथ और UFS 4.0 स्टोरेज स्पीड के साथ, मतलब यहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा मिलने वाला है। उसके बाद दोनों फोन में होने वाला है अप्रोक्सीमेट में 5000mAh का बैटरी, हालांकि इसे थोड़ा सा कम है लेकिन दोनों फोन में दिया जाएगा 120W का फास्ट चार्जर जिसके मदद से आप इस फोन को काफी कम समय में चार्ज कर पाएंगे। उसका दोनों फोन आने वाला है एंड्रॉइड 13 पर जो कि बेस्ड होने वाला है फन टच OS 13 पर। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है, तो फोन का स्पेसिफिकेशन काफी तगड़ा है। और आप यहां पर देख पाओगे इस फोन का फर्स्ट लुक। ये फोन दो कलर में लॉन्च होने वाला है और दोनों कलर को यहां पर मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें इंडिया लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में तो ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर और ये फोन लॉन्च होगा 26 अप्रैल को। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो वीवो एक्स 90 5G स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग होने वाला है अंडर 50,000 और जो वीवो एक्स 90 प्रो 5G स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग होने वाला है अंडर 60,000। मतलब वीवो एक्स 90 5G स्मार्टफोन आपको डिस्काउंट वगैरह करने के बाद मिल जाएगा 45,000 रुपये में, जबकि वीवो एक्स 90 प्रो 5G स्मार्टफोन है ये फोन आपको मिल सकता है 55,000 रुपये के अप्रोक्स में। तो प्राइसिंग कुछ इस तरीके से होने वाला है। स्पेसिफिकेशन काफी सही है, खास करके यहाँ पर जो कैमरा है वो काफी अच्छा खासा दिया गया है और यहाँ पर कोलैबोरेशन है जीस के साथ जहाँ पर आपको आउटपुट काफी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो आपको इस फोन का स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। धन्यवाद।